हेलो दोस्तों, आज है 20 जुलाई 2024 की और जैसा कि हम लोग रिव्यू करते हैं दिल्ली से लेकर के सहारनपुर के एक्सप्रेसवे को, तो ये इस तरफ अक्षरधाम से आ रहा है और ये देहरादून की तरफ जाते हुए ये एक छोटा सा स्लैस है। इस समय हम लोग हैं शास्त्री पार्क की रेड लाइट पर और बाकी अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि कितना कंस्ट्रक्शन और रह गया है। तो दोस्तों, शास्त्री पार्क की रेड लाइट से आगे यू टर्न लेने के बाद हम दोबारा से उसी स्टेज पर हैं जहाँ से हम लोग हमेशा से रिव्यू करते आए हैं। आप देखोगे कि ऊपर जो है वो बोर्ड्स वगैरह तो लग गए हैं, लाइट व्हील सब लग गई हैं, कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि जैसे कंप्लीट हो गया हो, लेकिन अभी ऊपर क्या चल रहा है उसके बारे में तो अभी कह नहीं सकते। लेकिन नीचे का जो रास्ता है वो तो अब सभी के लिए ओपन है। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि अभी भी कंस्ट्रक्शन, जैसे वायर्स की आपको दिख रही होगी, अभी भी कुछ लोग काम करते हुए दिख रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है, तभी थोड़े दिन पहले यहाँ पे हमें जब निकला तो बरसात के मौसम में भी यहाँ पे वही एक सबसे बड़ी समस्या जो ड्रेनेज की है। जैसे अभी ये आप देख रहे होंगे कि पाइप अभी टूट गया, क्योंकि शायद पिछला जो बारिश का पानी आया उसकी वजह से इतना ओवरफ्लो हुआ कि वैसे ही बारिश का पानी टपकते हुए, जबकि बिल्कुल नया नया कंस्ट्रक्शन है, उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। और ट्रैफिक तो यहाँ ऑलमोस्ट ऐसे ही है जैसे पहले रहता था, क्योंकि लोग अपने आप में तो बहुत जल्दी से सुधरेंगे नहीं जब तक कोई ट्रैफिक के बहुत अच्छे रूल्स नहीं आएंगे। तो मैं बात कर रहा था बारिश के पानी की। हाँ, बारिश के पानी में मैंने देखा कि अभी से ही बहुत सारे पाइप जो हैं वो टूट गए। जैसे अभी आप इस पिलर पर भी देखोगे, यहाँ पर भी पाइप जो है वो टूटा पड़ा है। तो अभी एक बार फिर बारिश आएगी तो फिर सब लोगों के ऊपर पानी डलेगा। और ये बहुत ही कमज़ोर सैनिटरी का सिस्टम है। मतलब मुझे लगता है कि दिल्ली में जितने भी फ्लाईओवर मैंने देखे हैं, दिल्ली के तो मैं बता ही ना हूँ, हो सकता है कि इंडिया में भी ऐसे ही हो। तो ये ज़रूरी है कि इस सैनिटरी सिस्टम को, जहाँ हम पानी बचाने की बात करते हैं तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए तो इनको बहुत अच्छा सा कोई प्लान करना चाहिए। और ये जो पानी है फिर उसके बाद सीधे सड़कों पर आता है। बाकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन नीचे से तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो गया है और रोड्स भी अच्छी हैं। अब यहाँ पर ट्रैफिक थोड़ा स्मूथ होने लगा है। हालांकि अभी सुबह 8:15 के आसपास का टाइम है और ट्रैफिक जो है वो लगभग 8 से लेकर के 10 के बीच में तो यहाँ पे हमेशा रहेगी, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तो पॉपुलेशन शायद दिल्ली में और थोड़ी बढ़ जाए, यहाँ कम होने का तो नाम नहीं ले रही है। एक जो सवाल था कि जब हम ये ऊपर के पिलर देख रहे हैं तो पिलर के बीच में एक गैप था जो इन्होंने लकड़ी के कुछ गुटकों से भरा है। हालांकि ये तो इंजीनियरिंग का पार्ट है, मैं इसके बारे में तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता कि उन्होंने कैसे किया होगा, लेकिन है तो लाजवाब चीज़ें। और इसकी जो ऊपर लिमिट रखी गई है वो 100 रखी गई है कार के लिए और 80 रखी गई है बाकी बड़े व्हीकल्स के लिए। नीचे की तरफ जो स्पीड है वो अलग अलग टाइप की उन्होंने लिखी हुई है, लेकिन सब यहाँ चलते अपने हिसाब से ही हैं। बाकी स्मूथ हो गया है। अब इस एरिया का थोड़ा सा तो नक्शा बदल ही गया है। बहुत सारे लोग जो हमेशा रॉन्ग साइड आते थे अब शायद शांत हो गए हैं, और यह हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी निकल जाता हूँ तो मुझे इसके बारे में पता नहीं रहता। 10 के करीब यहाँ ज़रूर जाम मिलता होगा। और शाम के टाइम में यहाँ पे जब भी आता हूँ तो यहाँ पर साइड में वो फल वाले और सब्जी वाले खड़े रहते हैं, तो उसी वजह से थोड़ा जाम रहता है। बाकी तो सब कुछ मुझे लगता है कि नीचे से तो सब इन्होंने ओवर कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका मेंटेनेंस जो है वो किस तरह से ये लोग करते हैं, क्योंकि अभी कोई ना कोई इलेक्शन आएगा या कोई ऐसी चीज़ आएगी जहाँ पर फिर सब लोग पिलर्स पर पोस्टर लगा देंगे, फिर उसको गंदा कर देंगे। जैसे कि अभी आप इस पिलर पर देख रहे हो, यहाँ पर ये लगे हुए हैं, कोई अमित तंवर हैं जो अपना चुनाव लड़ रहे होंगे। बाकी तो मैं आपको ऊपर का कंस्ट्रक्शन तो अभी क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ तो किसी का जाना अलाउ है ही नहीं। जिस दिन ये चालू होगा उस दिन हम डेफिनेटली इस पर जा कर के आपका जो रिव्यू है वो ज़रूर लेंगे। ये अभी हम लोग 5th गुस्ता गामड़ी के पास पहुंचे हैं। यहाँ पर आप लोगों को याद होगा कि एक बहुत बड़ा सा पेड़ था, अब तो शायद खत्म ही कर दिया उसको, वो कहाँ गया इसके बारे में तो कोई आइडिया नहीं।
बाकी ये एग्जिट है जो खजूरी पर आकर के निकलेगा। यहाँ की लाइटिंग भी हो गई है, बीच में इन्होंने प्लांट लगाने के लिए मिट्टी भी डाल दी है, जो ग्रीन कलर के बोर्ड हैं वो भी लग गए हैं डायरेक्शन के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि जो लेफ्ट साइड है वो जाता है वजीराबाद के लिए, और जो राइट साइड है वो भजनपुरा और गाजियाबाद के लिए। तो यहाँ तक हमारा स्ट्रेच रहता है। सामने आप मेट्रो का कंस्ट्रक्शन देखते हुए, ये अभी फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन। सो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।